मुड़ उस्ताद नस्ली होवे और खानदानी हो। अच्छा जी, जेड़े नु कदर होवे तू गुस्ताखी भी कर ले तो तेरा मुड़ भी कांड भरे। अच्छा उस्ताद, एक बार गलती भी करो ना तो आंदा कोई गल नहीं। कोई गल नहीं, गलतियां हो जाने। तो जेड़ा हौला होंदा वो कहंदा नहीं, वो फिर उंदा मुकाबला करन ते उतर जांदा। हाँ जी, ये नस्ली होना उस्ताद शिरगिर का बहुत जरूरी है। सही, ये नहीं होना चाहिए बी थोड़ी जी गुस्ताद ना बठ अठ साल ही मगर ना जेडे नस्ली जानवर हैं उन्होंने मगर जनाब रुलद आना। परख हासिल करने के अच्छे जानवर के मगर तुर लिया। अर्ज है भी शिकारी का जानवर है ना तो जनाब उस तो को अठ अठ साल ही मंगे मगरों मंगते वतना यार आदि कबूतरा च कबूतर दे, लेकिन वो नस्ल संभाली हुई है तो वो चु लैना है, अगर वो दो लंबरी करे तो नहीं लैना। अच्छा। लेकिन पहचान इस तरह है भी हर बंदा नहीं पहचान कर सकता जानवर की, जानवर न परखना बड़ा काम है। जिवें एक इंसान की बंदा परख करेंदा है ना, या जोड़ा कीमती होवे उहदे बच्चे रलेण निकलेण उन्होंने अड्डे ते लाओ काट के रखो, पल काट के रखो या बेफर जाल च रखो, उन्होंने निक्की वड्डी कुरी जोवना क्लियर जरूरी जरूरी। गर्मी का टाइम आवे एक गुला कच्चा वेच नहीं होना चाहिए। जदों जनाब उत्थे तो बिदाम उन्हों एक दो चार पांच पावने शुरू करेना। देख लो दोस्तों के पर पटाई का तरीका उस्ताद उन्होंने दसन डाए वे कि जो कबूतर पट देना तो उन्होंने बदाम शुरू कर देने, क्योंकि उनकी जी जिसम की नमकियात या उनकी एनर्जी वो कम नहीं होनी चाहिए, पर बहुत पावर लेंगे ने। अच्छा उस्ताद जी, अच्छा जदो जना मुकम्मल वजूद पकना नहीं है। अच्छा जी, धुप्पा लवा के वजूद पकना नहीं है। अच्छा, उत्थू थोड़ी जी उसकी खेड़ा इना बदाम उतने ही रखना, चार जेडा भी नस्ली उसी तेरी तैयारी मुकम्मल नसी तो जानवर जनाब उत्थे गर्मी च घाट नहीं कटता। अच्छा, लेकिन जानवर का नस्ली होना ब्रेंड भी चंगी है भेड़ भी चंगी। अच्छा जी, हाँ ये खूबी होनी जानवर के बेच बहुत जरूरी है। अच्छा जी, हाँ जी, हूँ मैं आ रही डिग के भेज के दोबारे घर आया। अच्छा जी, अगर जी उदे वेच असलियत की कतरी आई तो आया ही नहीं तो उत्थे डट्ठा उसके आवना नहीं उत्तरबाजी से साडा शरगेद दे। अच्छा जी, इस अज तोड़िए नहीं आख्या भी गोली किवें बनी जी या बिलफर्ज जी मैं की करना जी इसे दिल च नहीं असा आख्या भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा वीर भरा आसफ अली पिजन ब्लॉग, तुम देख रहे हो तो अपना यूट्यूब चैनल सब चढ़ते पंजाब वाले वीर भरावों सत श्री अकाल ते लहंदे पंजाब वाले नूं अस्सलाम वालेकुम जी। अज जिला साहिवाल का एक बहुत अच्छा पिंड है, उत्थे एक बहुत अच्छे लीजेंड उस्ताद ने, उन्हां दा इंटरव्यू करन वास्ते आए हाँ ते बड़ियां चंगियां गल्लां और बहुत कम दियां गल्लां तुहानूं इस इंटरव्यू च सुणन नूं मिलणगियां। बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू होने वाला है ते बहुत अच्छे तजर्बेकार अच्छी कबूतरबाजी कबूतरबाजी उड़ाण दा तरीका नहीं कबूतर नूं समझण दा तरीका होना चाहिए। ते बाकी गल्लां उस्ताद नाल करने आ, सारी तुहानूं गुफ्तगू उस्ताद दी सुनाने आ, पुछदास करने आ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, पहले तो अपना पूरा तारफ करो, किहड़े पिंड दे हो, की नाम है तुहाडा? 16 7 CR जी। 16 7 CR, हाँ जी, उसकी रहिश है जी साडी। अच्छा जी, ते बचपन तो शौक है जी कबूतर। अच्छा जी, ते बहुत अच्छा शौक किया है जी और उस्ताद बड़े नप्पे हर कौम दे जी। सब तो पहले जो तुम शौक किया ये तो कितों शौक पिया, कितों कबूतर ले, किवें तुहानूं दिलचस्पी पैदा हुई? अर्ज है जी जो बचपन तो शौक पिया है ना जी। हाँ जी, माल डंगर साडा, मैं माल च रहिंदा सी जी। अच्छा जी, ते पढ़िया स्कूल मैं कोई नहीं। अच्छा जी, पहले पहले भेजिया। अच्छा जी, लेकिन मैं नहीं पढ़िया। अच्छा जी, बाद नानकिया ते वाले साहब और भेजिया उत्थे कोई ना पढ़िया। अच्छा जी, आया मुड़ माल मन्नी चोण जिमीदारा ही आई जी। अच्छा जी, घर माल मन्नी भी रखा सी, जिमीदारा भी अपना? हाँ जी, जिमीदारा भी है। घर च पहले कबूतर है सी कि नहीं सी? नहीं आन, बिल्कुल कोई नहीं आन। वी तुसी पहले तुहानू घर च कोई शौक नहीं सी? नहीं, कोई किसे नू शौक नहीं आ। अच्छा जी, ते मेरा भाई ना कमांद लैन गया। अच्छा जी, कमांद? कमांद। अच्छा, माल वास्ते। अच्छा जी, ते एक कबूतर आके ना नहर ते बैठा। अच्छा जी, वो भाई मेरे चक्या ते लाए के ते घर आ गया जी। पहले सब तो पहले चिड़ी मारी सी? हाँ, जदो आया ना घर च जी ते उदे पार बन के ते वो ना छाड़ दिता घर। अच्छा जी, वो कल्ला ही फिरया रहा। अच्छा, चिट्टियां खिदाश पै चिट्टा। अच्छा जी, उस तो बाद जी मैं छोटा जिहा सी उस तो मैनूं शौक लग गए। अच्छा जी, कदों शौक लग गई ते मैं जनाब ने उस तो बाद शौक हल्का मुल्का करन लग गया। अच्छा जी,
करेंद्या करेंद्या मैं बाद उस माधी लिए खुडी बनाई अच्छा वो छाड़ छोड़ दिते अच्छा मुड़ छाड़ छोड़ दिते वधे रहे अच्छा इतने तोड़ी मैं कोई हो गया दाख साल दा अच्छा जी कदों दाख साल मेरी उम्र हुई ना ते बाद अच्छा जी मैं मुड़ कबूतर रख लाई अच्छा जी जोड़ा लाया अंदर रखिया खुडी बनाई बना के निजाम अगा जी चलता आया अच्छा जी कदो चलता आया मेरा काम जी इतने थोड़ी मैं दांदा ते हाल हुली वाहन लग गया ढगिया ते हाँ जी दांदा ओदे जी जिमीदार जावना सुबह वाहने भी निजाम जी ने आके माल छड़ना जनाब कोई दाने दुने पावने माल छड़ना वाग जाना नाश्ता मगेर ही वाग जाता उठा ही करके आना जो शामी आना मुड़ शौक करना उस जी भाजिया उड़ दया कोई 200-150 ते दड़े उड़ दया अच्छा जी केड़े केड़े पिंड अपने ये अपने पिंड 16 दे वेच जी 7 सी आर है 16 7 सी आर हां जी वी ए जी चार चक राजे आला पहला वड्डा दड़ा उत्थे 18 कबूतरां दे उड़िया अच्छा। एक मसेर मेरा एक मलवेर मेरा उत्थे जासा जी वेख्या अच्छा जी उस तो बाद निजाम चलदा आया जी धक्के खांदे खुंदे वत्ते मुड़ कबूतर रख ले बाजियां दी शौक होण लग गई जी उस्ताद कई घुमां दे नप्पे लेकिन उस्तादा को लभ्या कुछ नहीं अच्छा जी क्यों जो कमी कौमां दे आण अच्छा जी बेलफर्ज जिहड़ियां कमी कौमां दे विच उस्ताद नपणा उहदे च हासिल कुछ नहीं होंदा अच्छा ये भी गल है हाँ जी ठीक है खानदानी बंदे चो कोई चीज लभदी है खानदानी चो लभनी है कमी चो नहीं लभनी ओ जेड़ा ही मोहतबर उसी ओदी आदत कमी वाली उस अच्छा जी उस तो बाद जी कारी सजाद बदरू जी ए जी अमदा ते शौक जदों वेंदा ना जी अच्छा जी ते बड़ा खुश होंदा कारी सजाद बदरू बदरू अच्छा जी तुहाडा शौक देखदा सी हां जी ते वेंदे आना शौक बड़े किथे ओ जी सऊदीया बैठे ने सऊदीया बैठा अच्छा जी हां जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੇਂਦੇ ਆਣ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੱਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਉਡਵਾਉਣ ਜੀ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਇਆ ਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਬੱਬੀ ਜੁਲਾਇਆ ਬੱਬੀ ਜੁਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਉਡਵਾਏ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੱਟੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 10 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਗੱਟੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਟੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜਨਾਬ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਪਰਾਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਦੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਜੁਝਾਲੇ ਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁਝਾਲੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਸਹਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ مشورے ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਵਾਏ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਉਡਾਏ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਗੱਟਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਟੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗੱਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ 7-7 ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਮੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਵੱਧੇ ਘਾਟੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਖਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੀ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਘਟੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੰਮੇ ਦਾ ਜੀ ਡੱਬੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਉਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 7-7 ਵੱਧਦਾ ਗੱਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਘਟਿਆ ਗੱਟੂ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਾ ਮੁੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਜੀ ਉਲੇ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗਾ ਟਾਪ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਜਾੜੀ ਦੇ ਅੜ ਗਿਆ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
मीए चन्नू गए हुए हाँ दर सिचू अट्टे अच्छा जी आए मेरे को बैठे जट आराम किया पानी शानी पिवाया तो कारी साहब आख्या बई अस आख्या जी आए गल जी उस जनाब आख्या भी अगर तो हूं तो कबूतर किधू नहीं बनवा अगे तेरा बना के छड़े आए आए गोलियां आए तरीका है इस तरीके तो बना के कबूतर छड़ना आप छड़ना आप छड़ना अच्छा जी मैं आख्या जी रैश देवा के ना देवा उस आख्या जी रैश की कोई लोड़ नहीं तू उन साफ कर ली रैश ना करे साफ कर संगे तो उन्हें छाड़ दे अच्छा जी मैं जी शक ही मादी आई जी बना के छड़ी लेकिन उस उड़ी सही नस्ली बड़ी आई कुट्टी में राज के लेकिन डिगी वो गारी गारी आके बड़ी हाँ लेकिन जी मैं मेरी दिल आई जो टाइम ना किया अच्छा जी उस तो बाद जनाब इजाजत उस्ताद दी होगी उड़ावण दी मैं जनाब बड़े कबूतर बना के छड़े भाई जहाज काठिया साढ़े गवाड अच्छा जी ओदे भी बना के छड़े दां दां कबूतरां च कबूतर वधदे रहे माशाल्लाह जी माशाल्लाह 10 10 कबूतर उड़दे सी वधदे रहे हां वधदे रहे नितर के वधदे रहे अच्छा जी और कारी सजाद दे जनाब शरगेद दोवण दे बा गेम बनी पहले नहीं बनी पहले नहीं बनी नहीं बनी जेड़ा जानवर नु समझना है जी जी वो हर बंदे नु नहीं पता मैं जनाब 8-8 साल ही मगर ना जेड़े नस्ली जानवर हैं उन्होंने मगर जनाब रुलदे आना परख हासिल करन दे विच ते अच्छे जानवर दे मगर तो रुलिया अर्ज है भी शिकारी का जानवर है ना तो जनाब उस तो कुल 8-8 साल ही मंगे मगरों मंगदे वतना यार आ दे कबूतर च कबूतर दे लेकिन उसकी नस्ल संभाली हुई है तो उसदे च लेना है अगर वो दो लंबरी करे तो नहीं लेना लेकिन पहचान इस तरह है भी हर बंदा नहीं पहचान कर सकता जानवर की जानवर नूं परखना बड़ा कम है जिवें एक इंसान की बंदा परख करेंदा है ना या दो लंबरियां नहीं ने जानवर च ही वो असर है खून का खून के असर नाल पहचान है अगर नस्ली होया तो असर विखाई सी नस्लियां तो अर्ज मादी लिया थानू पहचान दस दिन मादी लिया नहीं और गल थोड़ी बेहतर है मादी आ जाती कबूतर अच्छा होना चाहिए शिकारी अच्छा होना चाहिए या कबूतर उड़ान बारे समझ की तरीका अर्ज अर्ज पता है जी खुल के गल करो अर्ज है जी जदों जानवर तैयारी लावना ना नस्ली हाँ जी वो दिया कई खूबियां तैयारी लावन अच्छा जी अर्ज है भी एक तो बिल फर्ज आपने पिछले साल जानवर जी आए उड़ता रहा है ये बहुत चंगा है चंगा उड़िया उड़िया है इनू जी से साल नवे अगले साल इस चीज ही उड़ावना हाँ। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक वो काम नहीं देंदा नहीं देंदा अगर एक शिकारी उड़ाया है जी तो उनू काम देंदा है लेकिन वो समझ दो वे था समझे थे हाँ जी नहीं तो मेरी समझ के मुताबिक वो दूए साल काम नहीं देंदे उन तो शिकारी दा दा साल उड़ाई रख देना 8-8 साल उड़ाई तो मेरी समझ के मुताबिक जनाब वो काम नहीं देंदा अगले साल बिलफर सर्दी पमदी पई है जोड़ा कीमती होवे उहदे बच्चे रलैण निकलैण उन्हां नूं अड्डे ते लाओ काट के रखो पल काट के रखो या बेफर जाल च रखो उन्हां दा निक्की वड्डी कुरी जोवना क्लियर जरूरी है जरूरी है इस तरह होना चाहिए भी वह क्लियर साफ होवे एक खाब ना सट्टे जदो उस दा बाजी दा गर्मी दा टाइम आवे एक गुल्ला कच्चा वेच नहीं होना चाहिए जदो जनाब उत्थे होना है उनू जेड़ा मेरा हिसाब है मेरा हिसाब है इस तरह भी मैं पटेना तो बदाम उनू एक दो चार पांच पावने शुरू करेना देख लो दोस्तों के पर पटाई का तरीका उस्ताद दसन दया वे कि जो कबूतर पट देने तो उन्होंने बदाम शुरू कर देने क्योंकि उनकी जी जिसम की नमकियात या उनकी एनर्जी वह कम नहीं होनी चाहिए पर बहुत पावर लेंदे ने अच्छा उस्ताद जी अच्छा जदों जनाब उन्होंने बदाम पावने जी शुरू कर देने अच्छा जी इतने खिडा अच्छा जदों जी उन्होंने बदाम पावने शुरू करने ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਆਵਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਜੂਦ ਪੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵਜੂਦ ਪੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਾਮ ਉਤਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੜ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁੜ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਦਾਮ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਬਦਾਮ ਉਹ ਪੂਰੇ ਛਿੱਕਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ
ਕਿਸਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਦਾਮ ਪੂਰੇ ਛਿੱਕਣ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸ ਸੀ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸਲੀ ਉਸ ਸੀ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਸਲੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨਸਲ ਵੇਖੀ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭੈੜ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੋਣੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਨਾਰੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਕਤਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਠਾ ਉਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡੱਠਾ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੁੜ ਉਸਤਾਦ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਵੀ ਕਾਂਡ ਭਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਸਲੀ ਹੋਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਰਗਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਕਾਵਿੜ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜੀਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੀਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਰਜ਼ੇ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਮਨਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਨੂੰ ਸਬੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਰਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਜਨਾਬ ਆਦਿ ਭੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਏ ਖਲੋਤਣ 8 ਜੀ, 8 ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਜਾ ਕਾਠੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਖਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਬੱਠੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰੇਤ ਕੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਰੀ ਸਜਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਏ ਜਾਂ ਬਵੀਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਮੋੜ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਟੇਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਕਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਵਸਣ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਦੇ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀ? ਅਰਜ਼ੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਉਡਾਇਆ ਆਣਨਾ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ 16-7 ਸਿਆਰ ਦੀ ਨਾ ਬਹਿਣੀ 'ਤੇ ਉੱਡੇ ਆਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੀ 'ਤੇ ਉੱਡੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਡੇ ਆਣ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨੱਪੀ ਸੂ ਖਾਨ ਬਲੋਚ 16 ਕੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਸ਼ੀਮ ਜੁਲਾਇਆ ਹੈ 4 ਚੱਕ ਜੀ,
उसका डोगर वाले का जी। इस तरीके शिकारी काफ़ी आन जी जड़िया कबूतर बना के व्डिया शिकारियाँ छड़े हुआ जी। लेकिन इजाज काठिए का मैं कबूतर बना के छड़िया लाल चीना जोड़ा नितर के वध्या सा नितर के क्लीयर हो के क्लीयर हो के वध्या अच्छा। और बड़की दे के घर आया अच्छा जी। हाँ जी पहली सट्टे उड़ाया मुड़ उड़ मुड़ इत उड़ हाँ जी वक्त के लिहाज न उड़ कि उदो मोढ़ा मेरे ख्याल 300 आई जास हाँ 300 उस वे मुड़ से चोन दया 300 मुड़ से अच्छा जी। उन्होंने बाद तुसी जगह बाली बाजिया इतें भी उड़दिया रही होर मैं कबूतर होर पिंड कोई आ जाए तो बना के लेकिन मैं शो ज्यादा नहीं इस वजह से भी मैं कबूतर तो टाइम नहीं दिता बना के ना ज्यादा लम्बे चौड़े नहीं दिते अक्सर आप आखना भाई कबूतर भाई जी थ्रू करे तुम बनवा सकते हैं लेकिन आप जरा आप जिथू नहीं निभदी उत्थे कबूतर बना के शौक नाल छड़िया और राती कबूतर नूं टाइम देवना जिहड़े उस्ताद दस दस भी कबूतर बनवा लेंदे ने जित गया तो कहिंदे ने हाँ जी उस्ताद अच्छा जे कबूतर हार गया तो शिगिरद नूं आखना तेरा कबूतर नहीं सी अच्छा वह की टाइम नहीं देंदे की करदे ने किहड़ा कबूतर बनन लग्या ते अगां गट्टे हाँ जी अक्सर जिहड़ा कबूतर गणे बड़े टाइम तो एक कबूतर तैयारी चंगी होंगी जेडे कबूतर उस्ताद राती एवें गरम कर छड़न तो अगर कबूतर गेम कर जाते लेकिन कई की तैयारी माड़ी होंगी है अगर भावे उस्ताद टाइम दिती रखन कबूतर टाइम नहीं करेंगे लेकिन कबूतर की तैयारी होनी बहुत जरूरी है कबूतर पावर होनी चाहिए पावर है कबूतर जो तैयारी लगे सुक्का वजूद वह सुक्का जरूरी है वो हर चीज बचाई सी अगर जानवर तैयारी लग सी तो पूरा वजूद वह सुख सी ना कच्चा उसी तो कबूतर तेरा हाथ ना चेसे उदी खूबी ये है जी, जी। ते ये है भी ये रूटीन नाल वेख लो तुसी आसे भाई बेहतर समझ भी जानवर नु समझना जरूरी है समझना जरूरी है ठीक है जो जानवर असि तैयार करने गर्म करने काढ़ा लाने देखना है जरूरी है कि ये वेट किवें दी कीती है ठीक है अंदरू तारे अंदरू तलक है अंदरू हीट चे ये चीज़ समझनी जरूरी है अर्ज है जी घने तक गर्म कर लग्या कबूतर वजींदा ही गराम किते गोली नाल नहीं वजी नहीं ये भावे उस्ताद वड्डे बनावेन या छोटे बनावेन अक्सर पता ही की करेंदे जी, जी। बिलफर्ज मैं बैठा ना तो उत्तू आया उस आखना त्रकड़ा हो लें मैं तेरे सिर ते हाँ प्रेशर देना प्रेशर देना अक्सर मैं वेखन वड्डे वड्डे उस्ताद जनाब दवाई दी गरम करन लग्या मिकदार वधा दे मिकदार हाँ मिकदार तेज कर लैनी करन दे विच उहदे निजाम जनाब कबूतर दा या वह तलखी कर गया या डाय गया जे होवणी आपां जिंदगी दे विच ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਬਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਟੇਕ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਲਕੀ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਉਨਾ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਖੜ ਕੇ ਨਾ ਉਫਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਉਫਸੀ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਫਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਬਈ ਜਨਾਬ ਕਬੂਤਰ ਮੋੜ ਨਾ ਚੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਡਾਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਵਜੈਂਦਣ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਜੈਂਦਣ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਥੋੜੇ ਟੋਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਥੱਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਦਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਵਜੂਦ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸਦੀ ਰੈਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਦੇਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਵਜੂਦ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ ਟੋਰੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਉਸਦੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਦਬ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਟਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦਾਂ ਮਗਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੋ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਸੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੜਬੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝਣੇ ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਤਲਬ ਰੱਖੀ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ
दिल दी शौक नाल बैठे कबूतर नूं तुसीं किवें पछाण लैंदे हो नरमा दी लाइए ते बैठे तक सर मैनू नहीं पता लगता मगर जानवर नाप के वेखा पूरा पता लगे ओहदे मुताबिक मैनू पता लगता है वजूद नूं वेख के जोड़ां नूं वेख के भी आ जानवर चंगा है आए माड़ा है दे चाहे कमी है आए कमी नहीं है लेकिन ओहदे खून का जिहड़ा है वजूद दे समझ जाण दा समय लगदी लेकिन खून का पता तो वेख्या बालियां लगना भई ये चंगा है माड़ा है जी खून का समझ असर भी तो बहुत जरूरी है। बिलाल साहब होर ने मैनू कई बार तुहाडी बहुत तारीफ की उन्होंने आखा उस्ताद होर जोड़े ला के दे जांदे ने दस दिंदे ने इंज बच्चा उड़ेगा तो उवें ही उड़ेगा माशाल्लाह तुहाडा बड़ा नाम सुनिया मैं अरजे जी कदों बिलाल साहब कोल इत्थे आया है ना जी जी ते उहदे दिल दी शौक नहीं जोड़ियां लो पूरी होंदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल मैं जी जोड़ा लगा दिता जी ते मैं ये भी दस दिता मखा जो ये बच्चा उड़ना है ना जी जी अगर शिकारी खड़ो खड़ो के ना वेखन तो तू आख बिलाल साहब एवं आख गया जी है नर भी चंगा मादी भी अगे ही बच्चे कटेंदा वा वो बच्चा बिलाल कटाया जी ते मैनू मुड़ सदाया मैं वेख्या ते बिलाल साहब दस्या भी ये शक कोई नहीं मैं भी इन्हू वेख के दस्या सी इन्हें मैनू नहीं सी दस्या मैं इन्हू पहले विखाया इन्हें असी इन्हू दस्या सी हाँ जी मैं क्या इन्हू उड़ के कोई नहीं जितना हाँ फिर बाद च इन्हें तुहाडा जिक्र किया अच्छा जी जी अरसे कदों मैं आख्या भी तेरे चक वाले शिकारी जेड़े हैं ना बावें भारू जेडे ही वड्डे शिकारी आके जानवर उड़ेंदे रहे लगन तैनू बिठावना बड़ा औखा है खास तौर इन्हां जानवरां दे साथ क्या ना इन्हां तो बाज किते गड़ देण अल्लाह ना करे कोई वादा घाटा ना बने ते अरजे है ते जानवर का ब्लड समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ये भी बड़ा जरूरी है दुबे लंबर ते जानवर की पहचान होना मादी थोड़ी आई है मैनू ने दस्या सब तू पहले तो आए कलियां वेख बराबर खलियां बराबर खलियां जी ये परवाज उस इस तरह के जानवर की उस परवाज बड़ी लंबी उस सब तू पहले आए मोढा है जी पता नहीं तुसी किस तरह समझते ने जी ठीक आए मोढा वेंदे पेने मोढा स्मार्ट ते बरीक है बरीक मास कोई नहीं है हां जी जेड़ा मास वाला उसी ना वो जानवर कुंडे लमका देगा हां नहीं वो जनाब गेंद जिन्ना लम्मा उड़ेगा वो पल्ले पैड़े मारेगा हां जी ये जिन्नी परवाज लम्मी करेगा इनके पल्लियां च कमी नहीं महसूस होएगी हां जी ये बड़ा समझना जरूरी है लेकिन उत्तू वजूद वेखे दा रेशम रीत हां गणे रुखे हुंदे ये भी समझना बड़ा जरूरी है जिहड़ी आ हड्डी है ये जानवर की लम्मी होनी चाहिए हाँ जी जिन्नी लम्मी होगी उन्नी परवाज ज्यादा हो जिहड़े दा वजूद है आए जोड़ है आए ये नर होवे या मादी होवे इहदे चाहे उंगल नाल इहनू हड्डी नू कुटेवणा चाहिए अच्छा जी मैं उस जानवर ते मुतमिना दुवे ते नहीं अच्छा जी किहड़े दी इह हड्डी दे विच उंगल पौसी ना ते खुल्ला ना उसे लेकिन उस जानवर मोड़ा च ही फुसी परवाज ही बड़ी क्रिसी अच्छा थोड़ी नहीं क्रिंदा दुए लंबर ते आए बीजे ले हर बंदा नहीं समझदा हाँ जी एवें दे पैन हाँ जी खुशके खुशके छोटा है निक्का है जी इस जानवर वाला जनाब जानवर अच्छा उसी अच्छा समझ आई जी लेकिन जोड़े रलिंग देन बनते जोड़े नू हर बंदा नहीं समझदा जानवर दा ये वेखना चाहिदा भी आ इसकी हड्डी खुली है इसकी भीड़वी है अच्छा जी ये दे वे जेड़े दी भीड़वी उसी ये ज्यादा उत्ते उड़दा अच्छा जी जिंदी हड्डी जोड़ भीड़वा उसे ओ उत्ते उड़ेगा उत्ते उड़ेगा उनका शॉट होंदा भी हां ओदा खतरा इस तरह है भई वह किस टाइम ही जनाब टाइम रखा सकता फौजी है पूरा हाँ जी जेड़े दा हड्डी दा है निजाम है हाँ जी ये दा जनाब ये टाइम ना रखे सी क्लियर उठ सी आंदा जांदा रहेगा हुण आए मादी तेरी कर दी है इस मादी दा हुण ज्यादा उड़ाई भी है तो तैनूं पता भी है लेकिन एक कबूतर नूं चंबड़ती टुरदी भी है क्लियारी जपदे हुंदी है टाइम ही फौरी रखेंदी भी ये गल नहीं करेंदी भी बे टाइम हो जाए अरजे आए पहचान है जी जी खुश रहो तुसी आए साहब इधर छड़ लो होर कोई तुसी गल दसना चाहो सर्दियों के मौसम की दाने के बारे कोई टिप देना चाहो जो अपनी वीडियो सुनते हैं कबूतरों की बीमारियों के बारे
लेकिन इतना मैं लम्मा चौड़ा नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सानू इजाजत दे, इंशाल्लाह नवी वीडियो लैके जरूर थोड़े को हाजिर होवांगे जी।